वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने बताने जा रहा हूं आपको, भारत के राज्यों की प्रमुख जनजातियां। आप किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे RO, UPBCS, BEO, UPSC इवन या BPSC की तैयारी करो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगेन, जो बहुत सारी हैं सारी करनी है नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर अलग से बताऊंगा, उसको ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। चलिए तो देखिए, आंध्र प्रदेश की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, पहले तो चेंचू सबसे इम्पॉर्टेंट है। चेंचू कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में मिलती है चेंचू, ठीक है। और धूलिया ट्राइब, ये आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश की, धूलिया, चेंचू, लंबाडा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है तीन। अगर मैं तीन इम्पॉर्टेंट की बात करूं तो चेंचू, धूली और धूलिया, लंबाडा, ये आंध्र प्रदेश की है। बाकी यनादी भी है, यालिस है, बगाता है। कौन कौन सी? यनादी, यालिस, बगाता, ठीक, धूलिया, चेंचू, लंबाडा। बोलो मेरे संग, क्या बोलूँ? धूलिया, चेंचू, लंबाडा, धूलिया, चेंचू, लंबाडा, ठीक है, और यनादी, यालिस, बगाता, ये आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो ट्राइब है जो आपको याद रखनी इम्पॉर्टेंट, एक तो भील ट्राइब है सबसे इम्पॉर्टेंट, गोंड ट्राइब है, कौन कौन, भील है, गोंड है, कोल है, ठीक है, ये ट्राइब सबसे इम्पॉर्टेंट है, भील, कोल, गोंड, ठीक है। बाकी आपको कौन कौन से मिल जाएंगी? अगरिया ट्राइब है, कोरुक है, कमार है, बोंगा है ना, बोंगा ट्राइब है, एक बोंगा ट्राइब याद कर लो, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है बोंगा ट्राइब। तो आप इसकी चार जरूर याद रखना, गोंड, बोंग, बोंगा मतलब कोल, अगरिया, भील, ठीक है। बाकी हलवा, सहरिया, मारिया, हलवा, ठीक है, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी MP में, ठीक, समझ गए। भील, कोल, गोंड, बोंगा, ये जरूर याद रखो, भील, कोल, गोंड, बोंगा, अगरिया हो गया, ठीक है। और धूलिया ट्राइब आंध्र प्रदेश में, चेंचू ट्राइब आंध्र प्रदेश, लंबाडा भी आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गद्दी ट्राइब, यहाँ ठंडी ठंडी जगहों पे मिलते हैं गद्दी ट्राइब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में गद्दी ट्राइब मिल जाएगी आपको, ठीक है। और गुज्जर, ये इंपॉर्टेंट है, गुज्जर, ठीक है, किन्नौर, ठीक, गद्दी, किन्नौर, गुज्जर, जाद हो गया, पंगवाली, स्वंगला, ये हिमाचल प्रदेश की है, गद्दी, किन्नौर, गुज्जर, ये जरूर याद रखना, गद्दी, किन्नौर, गुज्जर, ठीक है। बाकी पंगवाली, जाद, स्वंगला। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन कौन सी ट्राइब मिल जाएगी? डाफला, मिशमी, एबोर, ये तीन जरूर याद रखना, ये ट्राइब भी हैं और ये पहाड़ भी हैं, वहाँ पे हिल्स भी बोलते हैं जिनको, डाफला, मिशमी, एबोर, ठीक है, और नागा, नागा, ठीक है, डाफला, मिशमी, एबोर, नागा, सिंगफो है, अफतानी है, ये भी याद रख सकते हो, पर जो मैं चार बोलूँ याद करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डाफला, मिशमी, एबोर, नागा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी ट्राइब आपको मिलेंगी? तो छत्तीसगढ़ में जो आपको याद रखनी है, देखिए, मुंडा ट्राइब सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी? मुंडा ट्राइब, ठीक है। फिर आपकी कौन सी आती है? अगरिया ट्राइब। अब छत्तीसगढ़ MP पहले एक ही था इधर, तो अगरिया ट्राइब और MP में और छत्तीसगढ़ में सेम ही हो जाती हैं। बाकी धनवार है, कमार, कोड़ाकू ट्राइब है, खरिया, सौर, कोरबा, मारिया, हलवा, ये ट्राइब आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। असम में चलते हैं, असम, असम में आपको चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिंथेंग और लालुंग, ये ट्राइब मिल जाएगी, कौन कौन सी? चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिंथेंग और लालुंग, चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिंथेंग, लालुंग, कौन कौन सी? चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिंथेंग, लालुंग। नागालैंड पे चलते हैं, नागालैंड, नागालैंड में आपको नागा ट्राइब, नागालैंड में आपके आपसे ये पूछेगा नागा ट्राइब कहाँ की है, एक सेकंड, नागालैंड में नागा ट्राइब हो गई आपकी, ठीक है। और आपको कौन सी? कुकी ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकी ट्राइब, इस बार देखा मणिपुर में जो रिवॉल्ट हुआ वो भी न्यूज़ में थी, कुकी ट्राइब, ठीक है। तो नागा, गारो, कुकी, कोन्याक, मिकिर, अंगामी, ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, नागा ज़्यादा याद रखना है, गारो, कुकी, ठीक है, अंगामी है, मिकिर है। फिर आ जाओ मिज़ोरम में, आ जाओ मिज़ोरम में, मिज़ो ट्राइब है, पावी है, चकमा, गारो, कुकी ट्राइब मिज़ोरम में भी मिल जाएंगी आपको, मणिपुर में भी मिल जाएगी, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर में कुकी ट्राइब आपको मिल जाएगी। मिज़ोरम में मिज़ो है भाई, नागालैंड में नागा, मिज़ोरम में मिज़ो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी, हाजंगा, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। मेघालय की बात कर लेते हैं, मेघालय, मेघालय में गारो है, खासी, जयंती है, ये पहाड़ भी हैं और ये ट्राइब भी हैं, गारो, खासी, जयंती है, ये जरूर याद रखना, गारो, खासी, जयंती है, ठीक है। बाकी आपकी हमार है, लाखेर, सितेंग, मेकिर, मेकिर, हाजेंग, हमार, लाखेर, सितेंग, ये मेघालय में होगी, ठीक है। दो से तीन बार याद करोगे हो जाएगा, डेली कुछ ना करना, अगर इसको नोट कर लेना आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट बना लो अपने, डेली पाँच पाँच भी याद करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में आपको कौन सी ट्राइब मिल जाएगी? एक सेकेंड,
त्रिपुरा की ट्राइब देखते हैं, तो मोग है, रियांग है, हालाम, लूसाई, ओरांग, ऊंचाई, जमतिया, ये आपको त्रिपुरा में मिल जाएगी। तो लूसाई ट्राइब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लूसाई हिल्स भी हैं, लूसाई, मोग, रियांग, ठीक है, ओरांग, ऊंचाई, जमतिया, ये मिलती है। अंडमान निकोबार की ट्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बना के इसको जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ की एक ट्राइब है जो सोमपन जनजाति, उसने क्या करा इस बार, वोट डाला है 75 सालों में पहली बार, तो ये पूछ सकता है। सेंटलीज, ओंग, जारवा और सोमपन, ये कहाँ की, अंडमान निकोबार की है। सेंटलीज, ओंग, जारवा, सोमपन, कौन कौन सी, सेंटलीज ट्राइब, ओंग, जारवा, सोमपन, ये कहाँ की है, अंडमान निकोबार की। सिक्किम की ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट लेपचा ट्राइब, चेंचू और लेपचा में कंफ्यूज नहीं होना, चेंचू आंध्र प्रदेश की है, लेपचा सिक्किम की है, भूतिया है और शेरपा है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों, लेपचा, भूतिया, शेरपा, लेपचा, भूतिया, शेरपा, ठीक है। लक्षद्वीप में एकमात्र ट्राइब है मालमिश, कौन सी है, मालमिश, मालमिश ट्राइब। पंजाब में एकमात्र ट्राइब है सांसी ट्राइब, कौन सी, सांसी ट्राइब। जम्मू कश्मीर की आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गद्दी मिलेंगे, ये ठंडी जगह पे होते हैं, क्योंकि हाजी हो जाएंगे, बकरवाल, गुज्जर हो गया, जो हिमाचल प्रदेश में उसी टाइप के जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएंगे, मौन, चंपा, बाल्टी और सिप्पी, ठीक है। गद्दी, सिप्पी, गुज्जर, बकरवाल, ये याद रख लो, कौन कौन से, गद्दी, सिप्पी, बकरवाल, गुज्जर, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मौन, चंपा, बाल्टी, हाजी, एक बार ये देख लिया। गोवा की दो ट्राइब है बस, वर्ली और धोड़िया, कौन कौन सी, गोवा की वर्ली और धोड़िया, वर्ली, धोड़िया, गोवा की कौन सी है, वर्ली और धोड़िया, ठीक है। अब इसको पढ़ते पढ़ते अगर मैं पीछे का पूछ लूँ, भील और गोंड ट्राइब कहाँ थी, तो तुरंत रिकॉल हो जाए कि मध्य प्रदेश में थी। मुंडा ट्राइब पूछ लूँ तो तुरंत बता दो, मुंडा ट्राइब, सर मुंडा ट्राइब मुझे पता है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, ऐसे रिवाइज करते रहो। दमन और दीव, यहाँ पे आपको धोड़िया मिल जाएगी, गोवा से सटा एरिया है, तो गोवा और दमन दीव में सेम हो जाएगी, सिद्धी या वर्ली, तो जो गोवा में रहती है वही दमन दीव में भी मिल जाएगी, क्योंकि आसपास है, धोड़िया, वर्ली, दुबला, सिद्धी, ठीक है, धोड़िया, वर्ली, धोबिया, धोड़िया, वर्ली, दुबला, सिद्धी, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल में चलें, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपको भूमिज है, असुर है, हो ट्राइब है, कोरा है, लेपचा है, ओराव है, मुंडा है, लोधा है, कौन कौन सी ट्राइब मिल जाएगी आपको पश्चिम बंगाल में, जो आपको याद रखनी है, तो लोधा, मुंडा, ओराव, लेपचा ट्राइब भी याद रखो, सिक्किम और यहाँ पे मिलती है, बाकी हो ट्राइब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल असुर ट्राइब। राजस्थान की बात करते हैं अगर, तो भील है, मीणा है, राजस्थान में मीणा जनजाति बहुत फेमस है, गरसिया है, गरसिया, बंजारा, बागड़ी, भटेलिया और सांसी, ठीक है, तो मीणा, भील, ये याद रख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीणा, भील, सांसी। झारखंड की बात करें तो संथल ट्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंडा ट्राइब और हो ट्राइब, तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, संथल, मुंडा, हो ट्राइब, बाकी बिरौर है, उराव है, कोरबा ट्राइब है, खारिया, माल पहाड़िया, असुर और खरवार, ठीक है। झारखंड में संथल, मुंडा, हो ट्राइब, बिरहोर, उराव, कोरबा, खरियार, माल पहाड़िया, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, वर्धा, बावचा, भुंजिया, कौन सी भुंजिया, दालमोटे क्या, भुंजिया नमकीन, बिरहोल, धनवार, धोड़िया, थोटी, भील, कोल और वर्ली, ठीक है, कौन कौन सी, वर्धा है, बावचा है, भुंजिया है, बिरहुल है, धनवार, धोड़िया, थोटी, भील, कोल और वर्ली, ठीक है। तमिलनाडु की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब बता रहा हूँ, टोडा ट्राइब, एग्जाम में जरूर आती है टोडा ट्राइब, कौन सी, टोडा ट्राइब, कुरुम्बा ट्राइब, कुरुम्बा, ठीक है, टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इरूला ट्राइब, ठीक है, तमिलनाडु की इरूला ट्राइब जरूर याद रखना, कुछ याद रखो ना रखो, इरूला, टोडा, ठीक है, कुरुम्बा, बाकी बगड़ा, पलियान, ये भी वहीं पर हो जाएंगे। केरल की ट्राइब देख लेते हैं, केरल की, तो केरल में भी इरूला पाए जाते हैं और तमिलनाडु में भी पाए जाएंगे। मोपला ट्राइब इंपॉर्टेंट है इसकी, मोपला, उल्लाड़ा है, नायर, मलकारा, अलार, आदियान, कुरुम्बाज, पानियान, उराली, कदार, ये सब यहाँ पे मिलती है केरल में, ठीक है। गुजरात की बात करें तो डाफरा ट्राइब, डाफर मिल जाएगी आपको यहाँ, भील हो जाएगी, बंजारा हो जाएगी, कौन कौन सी, डाफर, भील, बंजारा, बर्दा है, बार्ली है, खारी है, धोड़िया ट्राइब, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला और चारन, कौन कौन सी, डाफर, भील, बांजरा, बारदा, बार्ली, खरी, धोड़िया, कोकन, कोली, ये सब गुजरात की है, ठीक है। चलिए ख़त्म होने वाली, बस कर्नाटक की देख लो, चेंचू ट्राइब आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, बर्दा हो गई, मालासार, मलेरू, टोंडा ट्राइब याद रखना भैया, ये तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, कोदागू हो गई, सोलोगा, रथावा और पनियन, ये भी ट्राइब, ठीक है। बिहार की ट्राइब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बीपीएससी वालों के लिए याद ही रखनी पड़ेगी, बंजारा, बेरिया, बिरहोर, उराव, खोंड, असुर और बैंगा, कौन कौन सी बिहार में, बैंगा है, असुर है, देखिए पहले बिहार और वेस्ट बंगाल एक था, तो वेस्ट बंगाल में वो बिहार में भी मिलेंगी, जैसे बैंगा, असुर है, ठीक है,
कोंड, उराव, बिहौर, बेलिया, बंजारा। उड़ीसा की ट्राइब देखते हैं, बगता, भूमिज, कोंड। कौन कौन सी? बगता, भूमिज, कोंड, गांडिया, कोल है, कोरा है, कोया है, केरिया है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, बगता, भूमिज, कोंड, गांडिया, कोल, कोरा, कोया, केरिया। ठीक है, मणिपुर पे आ जाओ, मणिपुर पे अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो और मैकी। कौन कौन सी? मणिपुर की अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैकी। अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैकी, ये मणिपुर की है। उत्तराखंड की ट्राइब की बात करोगे तो थारू, बक्सा, रज्जी, जौनसारी। कौन कौन सी? थारू, बक्सा, रज्जी, जौनसारी, उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट ट्राइब है, भोतिया। थारू, बक्सा, रज्जी, जौनसारी, भोतिया। ठीक है, थारू है, बक्सा है, रज्जी, जौनसारी, भोतिया। उत्तर प्रदेश की ट्राइब्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थारू, बक्सा, माहीगिर, खरवार है, सहरिया है, पठारी है, बैगा है, परहिया है, अगरिया, भुइया, भुनिया, चेरो, धुरिया, ओझा, नायक। ये सब उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की तो आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक थारू, बक्सा ट्राइब, ठीक है, और आपकी सहरिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। बाकी चेरू, धुरिया, बैगा, ये भी मिलती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में थारू, बक्सा, रज्जी, जौनसारी और भोतिया सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट भारत के राज्यों की प्रमुख जनजाति। एक से दो बार प्लीज़ इसको देखिए, आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।